योग का महत्व आज पूरी दुनिया जानती है और योग किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन योग के जनक महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली आज भी पहचान की मोहताज है। गोंडा के वजीरगंज विकास खंड के कोडर गांव को महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली माना जाता है, लेकिन ये जगह उपेक्षा की शिकारी है और विकास की बाट जो रही है। मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कोडर गांव को विश्व के मानचित्र पर होना चाहिए था, मगर आज भी ये अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। कोडर गांव हजारों वर्ष पहले महर्षि पतंजलि के कारण जाना गया। महर्षि पतंजलि अयोध्या से सटे इसी गांव में माँ गोंडकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। यहीं पर रहकर उन्होंने लोगों को योग की शिक्षा दी, लेकिन ये गांव आज भी उपेक्षा का शिकार है। पतंजलि की जन्मभूमि को पहचान दिलाने के लिए स्वामी भगवदाचार्य काफी प्रयास कर रहे हैं। वो संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन विकास की रेलगाड़ी आज भी इन स्थान तक नहीं पहुंच पाई है। हमने प्रयास किया 1994 से, मैं इस आंदोलन को उठाया हूं और यहां पर लगभग सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ बान की मून को, इरीना बोकोबा को दिया, उसके बाद अब इसमें जो वर्तमान मिनी भी दिया और उन्होंने सारे पत्र को कवरिंग लेटर लगाकर भेजा। 177 देशों ने स्वीकार किया और फिर मैंने इसके यहाँ पर पतंजल की जन्मभूमि है तो पतंजल के सम्मान में महर्षि पतंजल अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी लिखा और मोदी जी ने आयुष मंत्रालय को लिखा, लेकिन आयुष मंत्रालय ने कहा कि विश्वविद्यालय स्थापना करने का जो कार्य है मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं आता। तो इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है और सामने जो पतंजल झील है करीब 9 किलोमीटर की, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए और उसमें नौका डाल दी जाए, नौकाएं, ताकि देश विदेश के जो पर्यटक आते हैं उनके आकर्षण का केंद्र बन सके और इसे पर्यटक स्थली के रूप में घोषित कराने की योजना चल रही है। यहाँ पर एक यात्री निवास हो और पतंजल जी का एक भव्य मंदिर बने जहाँ सत्संग सभागार हो, लाइब्रेरी हो, तो इसके लिए हम लोग बराबर प्रयत्नशील हैं। और पतंजल के नाम पर इतना ही नहीं, पतंजल एक्सप्रेस ट्रेन के भी चलाने के लिए हमारा शासन से चल रहा है। मैंने प्रधानमंत्री और रेलवे को दिया है कि पतंजल के समक्ष अब चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम इसके विकास के लिए हम लोग वर्तमान में प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम लोग बराबर प्रयासरत हैं कि इसमें पतंजल के स्वरूपानुरूप यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पतंजल के नाम पर हो, एक चिकित्सालय भी पतंजल के नाम पर, संस्कृत विद्यालय और यात्री निवास और पतंजल के स्वरूपानुरूप एक भव्य पतंजल जी के का एक मंदिर बने स्मारक भूमि के रूप में और सामने जो झील है ये पतंजल झील, इसका भी सौंदर्यीकरण किया जाए। योग ऋषि की जन्मभूमि को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए करीब 2 दशक से संघर्ष चल रहा है, लेकिन योग की नींव रखने वाले महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली का हाल जानने वाला कोई नहीं है। गौरतलब है कि योग के जनक महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली पर विकास के नाम पर सिर्फ एक शिलापट दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, वहां जो नल लगा है वो पानी तक नहीं देता। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी, लेकिन सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद भी लोग विकास की उम्मीद में ही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट।